तो दोस्तों यहाँ पे पहुंच चुके हैं हम लोग और ये देख सकते हैं आप इडी का रिजॉर्ट का बोर्ड है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज है मतलब कल था मूसा भाई का बर्थडे 13 अगस्त को, आज है 14 अगस्त। आज हम पार्टी करने जा रहे हैं और मैं बताता हूँ कहाँ जा रहे हैं। इली का रिजॉर्ट है एक BSR, जहाँ पिछली बार गए थे अभी के बर्थडे में उससे पहले। तो मूसा भाई की गाड़ी बड़ी वाली तो आज थी नहीं, तो नन्नू की गाड़ी लेने आए हैं और बंदे 6 हैं जन जाने वाले, तो अपन करेंगे क्या कि तीन तीन करके डिवाइड होके जाएंगे इसमें। अरे भाई गाड़ी हो रही है, भभक रही है एकदम, इसको स्टार्ट कर देता हूँ। तो फिर ये हो गया कि मूसा भाई की बड़ी गाड़ी जो है वो यहाँ है नहीं, तो अब हम 6 बंदे थे तो एक गाड़ी में जा नहीं सकते थे, क्योंकि पिछली बार तो 5 ही गए थे लेकिन बहुत ठुस ठुस आके गए थे। तो इस बार हमने सोचा कि अलग अलग गाड़ियों चलते हैं तो जैसे जगह हो ही जाएगी। तो अभी नन्नू की गाड़ी मैं निकालने आ गया हूँ क्योंकि मेरे घर के पास ही रहती है। अब मैं घर जाता हूँ, तैयार होता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। तो आगे तो दोस्तों नहा धो के निकल चुका हूँ मैं लेने के लिए इन्हें, और अभी गाड़ी खड़ी कर देंगे नन्नू क्या। नन्नू थोड़ा सा लेट आएगा तो इसलिए मैं मूसा के साथ चला जाऊँगा। तो अभी आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसी लोकेशन पे जाएंगे जहाँ हम परसों स्मॉल ट्रिप करने भी गए थे और जहाँ BSR गए थे उससे थोड़ा सा पहले। तो ये है और आज देखते हैं क्या क्या होता है। तो दोस्तों अब गाड़ी बदल दी है और नन्नू की गाड़ी हमने खड़ी कर दी है, अगर आप देख सकेंगे तो वो खड़ी है सेल्टॉस। तो अब आप लोग वो तो हमेशा की तरह देर कर रहे हैं और मंदिर से हमने आशीर्वाद ले लिया और अब हम चल रहे हैं। अब वो सब देर में आएंगे क्योंकि हमें पता है उनका हमेशा ऐसे ही है, जब पैसे दे रहे हैं तो जगह जाओ इंजॉय करो, ये नहीं कि आराम से अपना आए लेट में। तो अपन हम तो निकल रहे हैं फिलहाल। तो ये देख सकते हैं आप गाय माता की हालत, दूध निकाल के छोड़ दिया है, पूरी पसलियाँ बाहर आ गई हैं। तो ये हमारे देश की जो गौ माता को माँ बताते हैं उनकी ये सच्चाई है। देखो सबके जो है कि रिब केज दिख रहे, तो इनके लिए हम लोग खाना ले रहे हैं और इनको थोड़ा सा खिलाएंगे अपना। देखो कितनी कमज़ोर हो गई है, माँ जी प्रणाम। सो आज आपको मूसा दिख रहा है कितने दिनों बाद, मुझे आप सोच के बताइए। मूसा तू बता कितने दिन। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आ रहूंगा महीनों बाद यार, पता नहीं लास्ट में मई में आया था तेरे साथ दिल्ली मिलने। हां मई जून जुलाई अगस्त चार महीने भागने के। मई जून जुलाई जुलाई अगस्त मतलब 2.5 महीने हो गए। तो तब उसके बाद आ रहे हैं और लड़के लोग, हमने सोचा था देर में आएंगे लेकिन लड़के लोग जल्दी निकल गए। हम तो धीरे धीरे चल रहे आराम से, माता जी को मूसा भाई ने सबको खाना खिला रहे हैं, गाय माता जी और जितने भी जानवर दिख रहे हैं हमको भूखे सबको खाना दे रहे हैं अपन, क्योंकि भगवान ने इस लायक सक्षम बनाया जो हम अपना खा पी सकते हैं, तो दूसरों को भी जो है कि होना चाहिए और होना चाहिए। हमदर्दी दिल में बहुत जरूरी है। 10 रुपए का खा रहे हैं तो 1 रुपए का तो एक रुपए बिल्कुल 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 ये बात सही है। 9 का खा लो बिल्कुल, क्या पेट तो भरेगा तुम्हारा, पेट तो भाई जी 1 रुपए में भी भरना ही है। बस शौक की बात है और मैं कहता हूँ सब करो लेकिन किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाओ। सही बात है। अब वही वाली बात आ जाती है फिर, चिकन वाली नॉन वेज वाली छोड़ो, वो क्या अब सबका अपना पर्सपेक्टिव है अपना ऐसा है। जब हम खाते थे तब हम भी ऐसे लोगों को बेवकूफ समझते थे कि क्या करते हैं, छोड़ो क्या बोले अपन की, पर थिंकिंग पहले से ऐसी रही है अपन ने, कभी मूसा भाई ने कभी नहीं खाया, कभी गलती में खाया होगा एक आध बार खाया था वो चलो कोई नहीं, उसके मतलब इंटेंशनली तो ऐसा कुछ नहीं था। दूसरी बात पौड़ी के जैसे टच में आ गए हैं भाई साहब, मौसम हो चुका है खुशनुमा और बारिश आ जाए इस मौसम में तो ट्रिप हो जाए बढ़िया। अब हम मूसा भाई कह रहे थे जालगढ़ चलते हैं खिरसू चलते हैं, तो हमने कहा जा तो सकते हैं लेकिन जो हमारी भावना वो कोई समझेगा नहीं, और वैसे वाकई में वो हम ही समझ सकते हैं क्योंकि जालगढ़ जो हम जाते हैं वो हम जाते हैं सितंबर के महीने में, उसमें जैसे नेता का बर्थडे हो गया, दामिर भाई का बर्थडे हो गया, अब मूसा भाई के बर्थडे में हम जाते हैं VIP जगह, VIP जगह नहीं नहीं ऐसा मतलब जो भी है। तो ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, अभी हमें माता जी और दिख गई हैं, अभी हम इनको खाना खिलाते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। Okay. तो दोस्तों अब मूसा भाई चला रहे हैं गाड़ी और पता नहीं थोड़ा सा दिक्कत आ रही, गाना नहीं बज रहा, प्ले हो रहा है दोनों में पर चल नहीं रहा है स्पीकर में कुछ दिक्कत है। अभी पौड़ी में पहुंच चुके हैं और लौंडे हमसे आगे निकल गए हैं क्योंकि हम धीरे धीरे चल रहे हैं और वो आगे आगे चले गए, एक तो जाम इतना है। हाँ मतलब उधर ही है, पहुंच गए उधर। तो ये है तो पौड़ी का मौसम भाई साहब अलग है, लेकिन रास्ता देख सकते हैं आप कितना नैरो है। ये देखो अब एक गाड़ी आई, अब कितना देखो कितना अपना इधर डालना पड़ता है इस साइड। मैडम चलो,
मूसा भाई क्या कहना चाहेंगे इस रास्ते के लिए आप? रास्ता जो भी है थोड़ी वो डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए बिकॉज इट्स हिल स्टेशन बहुत बढ़िया है अपना डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी है ना अपना, पौड़ी की छोरी बहुत जो भी है अपन को मैं तो पौड़ी से बढ़िया है पौड़ी अपने लिए, अपने लिए मतलब थोड़ा मसूरी है ये है नी देहरादून से मसूरी आ, मैं बता ही रहा हूँ मौसम देख सकते हैं आप लोग, बारिश हो गई है हल्की हल्की, इत्मीनान से अपना जाते हैं और भाई सब मिलते हैं आपसे आगे। तो दोस्तों ये हमने बस खरीद ली अपनी क्या बोलते हैं इसको, इसका मॉडल है 578262, ये हमने खरीद ली है और हम इसमें अंदर जाते हैं उधर से, इधर से बंद है क्या दरवाजा? दरवाजा ही भाई जब ये देखो आप ये थोड़ी ना दुर्घटना गरिष्ठ घटिष्ठ बस है, छोड़ो इसमें मत चढ़ो, सब हिस्सा सब टूटा मत चढ़ो इसमें, हल्का से चढ़ेंगे भाई साहब मत चढ़ो, या हैंडल लेके अपना चलिए भाई साहब, ये काम हमने किए थे 2020 में और भाई साहब ये हमारी हो गई बस, ये वाइपर हम क्रेटा में लगाएंगे अपनी, इसका गियर बक्सा निकालते हैं, इसका इंजन निकाल देते हैं, टिचकुले को बुलाते हैं भाई साहब, टिच टॉप कर देगा भाई वो बस एकदम चलने लायक, आगे से दिखा दो एक बार, दोस्तों आप मौसम देख सकते हैं आगे नन्नू भाई की गाड़ी जा रही है हमारे दामेर अंश और नन्नू अभी सब उसमें, ये देखो आप मौसम शीशे क्यों खोल रहे हैं, हवा आएगी ना बाहर, देखते हैं भाई कैसे अच्छा हवा भाई कोहरा उड़ रहा है तगड़ा, मजा आ जाएगा भाई आप शीशे, ये गाइस आपको कैमरे में उतना नहीं पता चलेगा लेकिन आपको रियल एक्सपीरियंस जब आप करेंगे तभी पता चलेगा, मैं जरूर कहता हूँ एक बार इधर विजिट करें, विजिट करें ये हेवन है भाई, सेकंड हेवन मतलब अपने लिए तो है और काम नहीं कह सकते, इससे निकलना बाहर तब दिखा, रुक जाओ तो यहाँ से इसका रास्ता जा रहा है, मैप में देख सकते हैं आप, अभी चेक करके आते हैं क्या क्या सीन है, और अब नींद आ रही है मेरे को, तो तेरे को भी आ रही? थोड़ी आ रही है, थोड़ी बहुत नींद आ रही है, हराम हो जाती है पौड़ी आगे बस थोड़ा, तो कंधा दर्द हो रहा है ना सुबह, हाइट में है ना थोड़ा वैली से नीचे से आते हैं तो हाइट में थोड़ी सुस्ती आती है, सुस्ती आ रही है लड़कों को, आगे चलते हैं दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम लोग और ये देख सकते हैं आप इडी का रिजॉर्ट का बोर्ड है और ये गाड़ी लगा रहे हैं अपनी, ऊपर चल के दिखाएंगे आपको क्या क्या सीन। तो दोस्तों हमें गाइड लेने आ गए हैं यहाँ के चाचा जी चाचा जी आ गए हैं और यहाँ से वही चढ़ाई वाला सीन है हर जगह, अरे एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस लेंगे हम यहाँ से, इधर बहुत है जी गुरु जी, हाँ जी हाँ जी चढ़ाई बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, तो भाई साहब पानी खाने बिल्कुल बिल्कुल, चलो ये गेट आ गया है भाई साहब, गेट खुला है गुरुजी, खोल देते हैं, सांस खोल गई, ब्लॉगर जी और डोरमेट्री उधर है दीदी, यहाँ नहीं रहती मैंने। तो भाई साहब यहाँ पे ये आपके लिए बार सीटिंग है भाई, बहुत बढ़िया है, रुक जा बे ना ना, अबे हल्ला मत करो जड्डो, बाथरूम दिखा दो पहले, अरे भाई साहब
सारे प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, ये है, और आपको इधर ये दिख जाएगा गीजर वगैरह सब मिलेगा आपको, वॉशरूम वॉशरूम अंदर, यहाँ आपको बैठने के लिए सिटिंग मिल जाएगा, इधर आपको शीशा मिल जाएगा ताकि आप बाहर देख सके। भैया क्या रेट रहेगा इस बेड का? इसका सर 2500 2500 पर नाइट का है। ये बेसिस मीडिया था भैया, बेड भी बढ़िया है भाई, क्वालिटी बैठ के देख, बैठ के क्या देखना, फैन वैन खोल के देख। तो यहाँ पे आपको पीछे चट्टान मिल जाएगी, चट्टान देख सकते हैं, फोन वगैरह सब है, तो अच्छा है, मतलब एक मिट्टी का एक्सपीरियंस मिल जाएगा आपको, ये और मिट्टी है पूरी, डोरमेट्री देख लेते हैं। तो इधर से रास्ता है आपका डोरमेट्री का, जो हम लेंगे 500 रुपये बेड है वो, और अगर 6 बंदे हैं तो 6 के 6 आ जाएंगे। मूसा तो चट्टान देख सकते हैं, पहाड़ काट के बनाया, वैसे लीज लूज पे ली होगी जमीन, देख सकते हैं। ये रिश्तेदारी निकाल रहा है राजेंद्र नगर, तो भाई साहब अब हमें बीएसआर से अच्छा लगा, ये बीएसआर वालों का ही है, ये पीछे लड़ रहे हैं अपना, लड़ने तो इन्हें अभी आ गया डोरमेट्री, ये सही है भाई, क्या बुरा है इसमें, बस थोड़ा गर्म है, अच्छा शाम को ठंड हो जाएगा है। भाई ये तो हॉस्टल में आ गए भाई, ये वाला बेड ये तो मैं लूंगा भैया, ये वाला बेड मेरा, मेरा ये वाला हो गया, मेरा तो ये हो गया ये तो मेरा हो गया भाई, मेरा तो ये है, पानी की बोतल भिजवा दो, अपना तो ये हो गया, और इसके बाथरूम दिखा देते हैं आपको भैया, डॉर्मेट्री एक ही होगा ना यहाँ, ठीक है ना, यहाँ नहाने के लिए मछली की आ रही है, उसे दो वॉशरूम है, तो ठीक है ना भाई, कौन कौन सा हो गया बेड डन, ठीक है भाई, ठीक है भाई, बिजनौर, ओ बिजनौरी यूपी 20 कहाँ जा रही है, ठीक है, उड़ा चावल मंडे में, तो एक बार यहाँ से वो दिखा दो भैया, इसकी बालकनी से बाहर से एक्सेस होगी, फोन लेना से। तो दोस्तों 3 बज चुके हैं और अब हम लेट नहीं आ गए, तब से लाइट नहीं आ रही है, वो अपने फोन में लगा हुआ है, परेशान हो गए गर्मी में, बहुत गर्मी हो रही है, और पंखे वंखे मतलब लाइट ही नहीं आ रही है, मतलब ये कैसे जल रही है फिर यार, अभी लाइट आ रही है, पागल बना रहे हमारे, क्या बात कर रही है, ये इतनी जल रही है, बिजली का बिल है, ये भी नहीं जल रही, बहुत बीटी हो रही है, 3 बज गए रात के, नींद नहीं आ रही गर्मी में, ऑप्शन नहीं है कोई हमारे पास। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग हो चुकी है, और दामिर अंश लोग चले चुके हैं, वो जा चुके हैं क्योंकि उनको देर हो रही थी, तो सुबह ही चले गए थे जल्दी एक गाड़ी में, अब एक गाड़ी में मैं मूसा और नन्नू जाएंगे, और मैं व्यू दिखाता हूँ, देखो सुबह सुबह का कुछ इस तरीके से नज़ारा है, पूरा कोहरा लगा हुआ है अपना, और वो अपनी गाड़ी खड़ी है एक लास्ट, और ये देख सकते हैं आप लोग। तो भैया आप चलते हैं नीचे, कुछ एक कॉफ़ी तो पी ली है, नीचे कुछ खाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो चलते हैं वापस, तो मिलते हैं आपसे आगे। तो भाई साहब चल रहे हैं यहाँ पे, 15 अगस्त की तैयारी हो रही है, बहुत बहुत बधाई हो हमारे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे आप सभी को, और ये किचन है, इसमें जैसे आप रूम लेंगे तो आपको ब्रेकफास्ट फ्री मिलेगा, मतलब एक डिश आप कोई भी मंगा सकते हैं मेन्यू से। तो ये है, मैं बाहर का नज़ारा भी दिखा देता हूँ आपको एक बारी, लगे हाथों तो। इनका बैक साइड का एरिया, तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों गाड़ी है खड़ी अपनी, और बढ़िया कोहरा लग रहा है जी, चाचा वॉक पे हैं, और वो लोग तो चले गए थे, कितनी देर पहले गए वो लोग, 6:30 बजे, और अभी कितना टाइम हो रहा, अभी टाइम कितना हो रहा मुझे, 8:40 है। तो पर्वत देख सकते हैं आप, बर्फ का क्या व्यू आ रहा है, व्यू, अपन 3 रह गए हैं भाई साहब, गबरू दबंग मर्द इंडिया, टाइम वेस्ट हो रहा है अब चलते। तो दोस्तों देखो क्या सुंदर नज़ारा है, यहाँ मैं उस दिन आया था बाइक लेके यहीं तक, बर्फ के पहाड़ देखो आप, मज़ा आ जाएगा आपको, जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, तो ये है ब्यूटी। तो अपन अभी यहाँ पे आ चुके हैं, चलते हैं स्टार्ट, अपने आपको तो दिखाना भोसड़ी के, मेरे को क्या दिखा रहा, सबको दिखा, हाँ ऊपर कर थोड़ा, हाँ तो
तो दोस्तों अब हम लोग घर पहुंचने वाले हैं। बस ये है कि मैंने आपको बताया था इसकी पार्किंग में खड़ी है मेरी बाइक, तो पहले इनको वहाँ घर तक छोड़ता हूँ बाजार तक, उसके बाद वो लूंगा मैं अपनी मोटरसाइकिल। 15 अगस्त का अवसर है आज, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैंने बताया आपको स्वतंत्रता दिवस में, और मूसा भाई की पार्टी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मजा आया, BSR से लाख गुना तो नहीं मतलब अच्छा अच्छी वाइब थी, मेन की बिल मतलब अच्छा खासा मतलब सही था, सही था, रेट अच्छे थे, वेरी जेन्युइन, बहुत रिस्पेक्टिव। तो ये था, तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर एंड बाय बाय।